प्यारे बच्चों, आपके स्वस्थ और सुखी जीवन की शुभकामनाओं के साथ मैं आर एस विश्वकर्मा, प्राध्यापक पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज पामगढ़ से आज हम लोग चर्चा करेंगे एमए सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर पर। जैसे कि हम पिछले दिनों से चर्चा कर रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामाजिक विचारों पर, इसी बात को हम आज आगे बढ़ाते हैं। हम ये देख चुके हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सक्रिय राजनीतिक जीवन में आने के बाद और सामाजिक विचारों से विशेष रूप से परिचित होने के बाद, और जैसा कि जब उन्होंने रशिया की यात्रा की और रशिया में जो समाजवाद था या जो सामाजिक विचार थे उनसे लगभग बहुत कुछ प्रभावित हुई, और उनके समाजवाद का जो ये स्थायी प्रभाव पड़ा उसका प्रभाव हमें कहीं ना कहीं उनके जीवन पर और उनके सामाजिक कामों पर हमारे यहाँ भी देखने को मिलता है। हम ये देख चुके हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण और देश के प्रत्येक कोने कोने में स्वयं जाकर के और वहां की समस्याओं, वहां की परिस्थितियों, वहां की स्थितियों से और समाज के प्रत्येक समाज के प्रत्येक व्यक्ति से वो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ करके जो है वो सामाजिक गतिविधियों के बारे में जानते हैं। और इसके पहले चूंकि हमारे यहाँ लगभग सदियों की गुलामी के बाद पहली बार भारत आजाद हुआ, तो इस आजादी के दरमियान जो भारत मिला उस समय वो बहुत ही माने अपरिपक्व या सामाजिक रूप से कमजोर भारत मिला, और इस कमजोरी को दूर करने का जो श्रेय है वो पूरा लगभग वो पंडित नेहरू को जाता है, क्योंकि नेहरू जो है उस समय सक्रिय राजनीति में आ चुके थे और देश का जो प्रमुख पद है उस पर वो आसीन हो चुके थे, और इसके अलावा जो भारत का संवैधानिक स्ट्रक्चर तैयार होकर के लागू हो गया था, तो इस देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी दिशाओं को, सभी परिस्थितियों को जो बदलने का जिम्मा था वो पंडित नेहरू के ऊपर था। इस लिहाज से नेहरू जी भारत के सामाजिक स्ट्रक्चर पर परिवर्तन करना या उसको उसमें मूलभूत रूप से सुधार करना जो है उनका प्रमुख काम या दायित्व बन गया। और चूंकि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाजवादी जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका उत्थान पतन, उसकी सारी गतिविधियां समाज पर डिपेंड करती हैं, तो इस तरीके से सामाजिक व्यवस्था को सुधारना या सामाजिक व्यवस्था को परिपूर्ण करना भी उस समय बहुत ही आवश्यक है। इस गुलामी के बाद जो भारत प्राप्त हुआ उस भारत में हम ये देखते हैं कि निहायत कमजोरी, अशिक्षा, बेरोजगारी, शोषण या कुल मिलाकर बहुत सारी सामाजिक कठिनाइयां होती हैं, और इन कठिनाइयों के चलते जो है समाज के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्तर, मतलब जो जीवन का स्तर है वो कहीं ना कहीं कमजोर या अपरिपक्व होता है। इस कमजोर स्थिति को सुधारने का जो पूरा जो दारोमदार है वो नेहरू जी के ऊपर पड़ता है, और नेहरू जी जो है अपनी नीतियों से, अपने कार्यक्रमों से, अपने सरकार के ऐसे कामों से भारत की सामाजिक व्यवस्था को बदलने का लगभग बीड़ा उठाते हैं, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास भी किया और ये लक्ष्य बनाया कि जब तक हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर वैचारिक रूप से मजबूत नहीं होगा, लोगों को रोजगार चाहिए, गरीबी जो है वो एक बड़ी समस्या थी हमारे देश में, पलायन, मजदूरी, उद्योगों का अभाव, तो ये बहुत सारे कारण थे जो भारत के सामाजिक ढांचे को जो है प्रभावित करते थे और व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के उस सामाजिक जीवन में जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी रोजगार, रोजी रोटी की समस्या, या अर्थात जीवन चलेगा कैसे, जीवन संचालित कैसे होगा। तो इसके लिए नेहरू जी ने समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए जो है वो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, बहुत सारे कार्यक्रमों को, बहुत सारी योजनाओं को कार्यान्वित करने का जो है वो प्रयास करते हैं, और समय समय पर अपने सरकार की नीतियों से वो इन सारी समस्याओं को जो है वो दूर करने का प्रयास करते हैं। तो नेहरू जी जो है भारत में
सामाजिक व्यवस्था है उसका जो प्रमुख जो प्रमुख कमजोरी है उसमें कहने चाहिए अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, इसको दूर करने का वो बहुत कुछ प्रयास करते हैं। मैं थोड़ा इसमें एक आध और आप लोगों को पॉइंट में बताने का प्रयास करता हूं। ये हमारे यहां चूंकि लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था थी, इस समाजवादी व्यवस्था में नेहरू का जो वैचारिक चिंतन था उसका एक लक्ष्य था कि सामाजिक विकास, और ये सामाजिक विकास तब तक पूरा संभव नहीं होता जब तक माने ये लोकतांत्रिक व्यवस्था तब तक पूरी तरह से संभव नहीं रहती जब तक हमारा सामाजिक ढांचा मनुष्य की सामाजिक स्थिति माने उसमें सुधार ना आए। तो इस प्रकार से नेहरू ने अपने जीवन में माने समाज में परिवर्तन करने का एक बीड़ा उठाया। उनकी ओर से यह संकेत दिया गया कि जिस प्रकार से कार्ल मार्क्स का एक दर्शन है जिसे हम साम्यवाद के रूप में कहते हैं वो पूरी तरह से राज्य में सरकार के द्वारा लागू किया जाता है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस सामाजिक व्यवस्था को किस प्रकार से स्थापित किया जाए उसके लिए नेहरू जी ने विशेष रूप से प्रयास किया और वो इस समाजवाद को लोकतांत्रिक रूप से प्रतिनिष्ठा व्यक्त करते हुए 1929 में राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही थी, उसका मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, मुझे इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं एक समाजवादी और जनतांत्रिक दोनों हूँ। हमें इस बात को हृदयगत कर लेना चाहिए कि समाजवाद ने सारी विश्व व्यवस्था को समय समय प्रभावित किया है और उसे प्राप्त करने की दृष्टि से मतभेद केवल गति और विकास के साधनों के विषय में ही है। यदि भारत को अपनी निर्धनता और अपनी आंतरिक विषमता से मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसे समाजवाद तथा लोकतंत्र का मार्ग ग्रहण करना होगा। ये उन्होंने अध्यक्षीय भाषण से लाहौर अधिवेशन में आजादी के पहले यानी 1929 में कही थी। यद्यपि वह इसके लिए अपने तौर तरीके खोजने में तभी से जो है सक्रिय हो गए और उस आदर्श को अपनी पूरी सक्षमता से समक्षमता से प्रभावित करने के लिए वो प्रयासरत हो गए। समाजवाद के संबंध में अपनी इस मान्यता की अभिव्यक्ति उन्होंने 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए भी अपने अध्यक्षीय भाषण में इसको पुनः दोहराया था। उन्होंने कहा था कि मेरा विश्वास है कि विश्व और भारत की समस्याओं का एक ही हल है और वह है समाजवाद। जब मैं इस शब्द का प्रयोग करता हूँ तो केवल मानवीय नाते से ही नहीं वरन वैज्ञानिक आर्थिक दृष्टि से भी करता हूँ। समाजवाद एक आर्थिक सिद्धांत की अपेक्षा कुछ अधिक अर्थ रखता है, वह एक जीवन दर्शन है और इसीलिए वह मुझे उपयुक्त लगता है। मैं समाजवाद के सिवाय अन्य कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता हूँ। ये उनका दृढ़ विश्वास था। जो गरीबी, बेकारी, बेइज्जती और गुलामी से भारत की जनता को मुक्त दिला सके और उसको आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी बना सके। पंडित नेहरू के इस समाजवादी अनिवार्यता के भाव को कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवादी चिंतन ने एक बहुत बड़ी सीमा तक प्रभावित भी किया था, लेकिन अपनी उदारवादी लोकतांत्रिक मान्यताओं के कारण उसे संपूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर पाए और विशेष रूप से उसके द्वारा प्रतिपादित लोकतंत्र, वर्ग संघर्ष और हिंसक क्रांति के विचारों से वे सहमत नहीं होते थे। अतः मार्क्स की इस तरह वे एक समाजवादी समाज की स्थापना के पक्षधर अवश्य तो थे, लेकिन वे उसकी स्थापना यानी जैसे वर्ग संघर्ष पर आधारित हिंसक क्रांति के माध्यम का वो कहीं भी सपोर्ट नहीं करते थे, वरन इसके स्थान पर लोकतांत्रिक तरीके से इसके प्रयोग को स्थापित करके कार्यान्वित करना चाहते थे। अतः इस दृष्टि से वे एक मार्क्सवादी होने के बजाय एक लोकतांत्रिक समाजवादी, ये विशेष एक ध्यान देने वाली बात है कि डेमोक्रेटिकल सोशलिज्म के रूप में हमें दृष्टिगत होते हैं नेहरू जी विचार। उन्होंने इस विचार को स्पष्ट करते हुए कहा भी था कि मैं एक राजनीतिक लोकतंत्र को पूर्णतः स्वीकार करता हूँ, यानी राजनीतिक लोकतंत्र को पूर्णतः स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरी यह आशा है कि
इससे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त होगा। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना एक लक्ष्य तो हो सकता है, लेकिन वह अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। अतः अनिवार्य रूप से उनके समाजवाद का विचार एक लोकतांत्रिक चरित्र वाले समाजवाद का विचार होता है। कहने का मतलब यह है कि जब तक व्यक्ति की या जब तक किसी भी देश की सामाजिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती या ठीक नहीं होती या उनमें आमूल सुधार नहीं किया जाता, जब तक उसको सुधार नहीं बनाया जा सकता, तब तक किसी भी देश के व्यक्ति को सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बनाया जा सकता। और इस आत्मनिर्भरता के लिए प्रारंभ में नेहरू जी ने अपने विचारों से इसको सुदृढ़ किया, परिपक्व किया और भारत को एक स्वच्छ स्वस्थ लोकतांत्रिक समाजवाद की ओर जो है उन्होंने प्रेरित किया। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि नेहरू जी के जो सामाजिक विचार हैं, उन सामाजिक विचारों का स्पष्ट प्रभाव भारत के समाज पर, भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर और भारत की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ता है और उन्हीं की नीतियों का परिणाम, उन्हीं के कार्यों का परिणाम है कि आज भारत जो है कहीं ना कहीं वो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर